तो और भाई लोग क्या हाल चाल यार। अब देखो यार, इस मैच में मैं इतने किल कर लेता हूँ कि भैया जोश जोश में मैं दो दो AWM चलाने की सोचता हूँ। और यार उसके बाद जो गलत सीन होता है वो एक अलग ही लेवल का होगा भैया, बहुत काल्पनिक होगा। तो यार ध्यान से देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा इस मैच में। पर फिलहाल देखो, गोरे गोपाल उतरे हैं और यहाँ पे हमारे सिवा कोई भी नहीं उतरा, और हम ये खेल रहे हैं 3 vs squad मैच, जो कि यार बिल्कुल थोड़ी ही देर में 2 vs squad हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक और बंदा है वो ऑफलाइन हो जाएगा। तो पहले यार देखो, एक आध बोर्ड दादा मिल जाते हैं तो उनकी पेटी बनाते हैं और चलते हैं आगे की तरह। अब देखो, इनकी पेटी बना के आगे की तरफ जाते हैं, पर तभी मेरा टीममेट कहता है कि सिटी में कुछ बंदे आए थे, तो यार हम सिटी की तरफ जाते हैं और यहाँ पे मुझे एक बंदा भी दिख जाता है, तो मैं भैया आगे जाता हूँ चुपचाप। पर फिर तीन तीन दिखने लगते हैं, देखो ध्यान से। अब 3 चाचाओं को तो नॉक कर दिए थे, पर एक नीली चड्डी वाले चाचा अभी भी बचे हुए हैं, तो उनकी भी पेटी बनाई जाए। तो यार इन चाचाओं की पेटी बना दी जाती है। अब देखो यार, आया था मैं यहाँ पे एकाध किल करने, सोचा था कि भैया एकाध बंदा मिल जाए, लेकिन यार चारों बंदे इकट्ठे मिल गए और वो भैया किसी बोर दादा की पेटी लूट रहे थे मगन से। मतलब देखो, उनको यार इतनी ज्यादा लूट नहीं मिली यहाँ पे भैया, कि एक पेटी में 4 बंदे खड़े, और उस चक्कर में यार देखो उनकी पेटी बन गई। अब देखो यार, जो सीन यहाँ पे हुआ वो सीन भैया पूरे मैच में होगा, क्योंकि यार मैं जितने भी किल करूंगा वो फुल सकॉर्ड ही होगी, और सबको मारने में जो मजा आएगा आपको देखने में, तो भैया वो मजे के लिए तैयार हो जाओ, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिलहाल देखो, इनकी पेटी लूट के आगे की तरफ निकलते हैं। अब देखो यार, वहां से हम लोग डायरेक्ट भैया मिलिट्री बेस की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लेयर क्रूगर चली होती है और यार यहाँ पे काफी बंदे होते हैं। पर उससे पहले यार हमारे देश के बोर्ड दादा को देख लो, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। तो यार इन बोर्ड दादा का झंडा देखो यार भैया, हमारे देश का। तो यार देखो, काफी अच्छा लगता है ऐसे में कि हमारे देश में भी बोर्ड दादा आने लगे हैं। पर फिलहाल देखो, उनकी पेटी तो मैं बना देता हूँ, लेकिन आगे से इस बीच वाले बिल्डिंग से भैया एक बंदे की फुट स्टेप आने लगती है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा प्रो दिखाया जाए कि मैं प्रो हूँ, और भैया प्रो दिखाने के चक्कर में मैं स्टाइल मारता हूँ यहाँ। अब देखो, ये बम्बापूरा जो मैं फेंका, ये मैं बिल्कुल स्टाइल में फेंका था, मेरे को पता था कि कोई भी नॉक नहीं होगा, पर यार देखने में अच्छा लगता है वीडियो में, तो फेंक दिया। पर फिलहाल देखो भैया, वो बंदा पीछे की तरफ कूद जाता है, तो हम आगे जाते हैं, और तभी मुझे सीमेंट्री के पास से एक बंदा आता हुआ दिखता है, और देखो फिर। अब देखो यार, मैं एक चाचा को समझ के भैया आगे की तरफ जाता हूँ, पर एक और चाचा ठीहा में बैठे होते हैं, और यार वो इतने पतले होते हैं कि बिल्कुल एडजस्ट हो गए थे, दिखाई नहीं रहे थे भैया। तो यार देखो, मैं एक समझ के गया तो गलत सीन हो गए थे, पर जैसे तैसे बच गया। पर एक चाचा ऊपर रहते हैं, तो मैं बम्बापूरा फेंकता हूँ। अब देखो यार, बम्बापूरा वाले की भी पेटी बना देता हूँ, पर पीछे से भैया एक और चाचा गाजर घास लपेट के जाते हैं, तो उनकी भी पेटी बनानी पड़ती है। और यार यहाँ से मिल जाती है ये AWM। अब AWM मिल गई थी, तो मैंने सोचा यार ग्रोजर भी उठा ली जाए, और ये सोच के मैं आगे जाता हूँ। पर आगे एक गाड़ी जाती है, अब गाड़ी भैया आगे जाके रुक जाती है, तो मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, और देखो फिर। अब देखो यार, यहाँ पे मैंने इतना सस्ता स्प्रे किया कि भैया मेरी आंखों के सामने चारों के चारों बंदे घर में पहुंच गए, लेकिन मैंने एक को भी नॉक नहीं कर पाया। तो फिर मैं सोचता हूँ यार कि अब ग्रोजा उजा उठा ली जाए, पाप आपना पड़े ताकि उससे। तो भैया मैं ग्रोजा उठाने यहाँ पे आता हूँ, और देखो क्या गलत सीन होता है।
मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं नशा नहीं करता, किसी भी चीज का नशा नहीं करता मैं, लेकिन कौन मानेगा। आंखों के सामने भैया बिल्कुल दिन दहाड़े दो दो AWM उठा रहा हूँ फुल नशे में। अब मैं कितना भी बोलूं आप लोग मानोगे नहीं यार कि मैं नशा नहीं करता, क्योंकि किया ही हूँ। फिलहाल देखो भैया यहाँ पे यार दो दो AWM गलती से उठा लेता हूँ तो मैं सम्मुख में जाके भैया ग्रोजा लेता हूँ अपनी, लेकिन यार मेरे को डर काफी लग रहा होता है कि चाचा लोग सामुख में एडजस्ट ना कर दें तो भैया पेटी बन जाएगी और लाइट भी जलेगी। तो मैं पीछे की तरफ कूदता हूँ और जब मैं पीछे कूदता हूँ तो DT बताता है कि ये लोग फ्लैंक फ्लू करके चारों तरफ से आ रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ भैया आगे की तरफ जाऊँ टीममेट के पास और देखो फिर क्या होता है। अब एक चाचा की तो छत में पेटी बना देता हूँ, लेकिन एक और चाचा होते हैं छत में तो उनकी भी पेटी बनाई जाए। अब देखो यार जीजी यूजी का तो नहीं पता मुझे, पर हाँ मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं इस स्कॉर्प को मार के बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यार मैंने यहाँ पे एक कॉन्करर प्लेयर को मारा। अब आप सोच रहे होगे कि वो कौन है, तो यार जब मैं छत से कूदा था तो एक पीली ड्रेस में एक व्यक्ति दिखा था, एक बूढ़ दादा दिखे थे। अब वो कॉन्करर प्लेयर है यार, क्योंकि वो हमेशा मुझे लास्ट में ही मिलते हैं। तो यार देखो उनको मारने के बाद काफी सेटिस्फेक्शन मिला। तो यार देखो अगर आपको ये सीन अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, तो भैया एक लाइक कर दो, ये जोन जा रहा है जैसे नीला टाइप का उसी जैसे बिल्कुल लाइक को दबा दो यार, उसी जैसे दिखना चाहिए सेम। तो यार देखो आगे की तरफ निकलते हैं अब, और आगे भैया गलत सीन काफी ज्यादा होने वाले हैं, तो देखो ध्यान से। देखो यार मैं तीन बंदों को तो नॉक कर देता हूँ, पर यार यहाँ पे मेरी हेल्थ कम हो जाती है तो भैया पट्टी टी लगाता हूँ और फिर रस कर देते हैं लास्ट वाले बंदे की पेटी बनाने, और देखो क्या ही पेटी बनाते हैं चाचा की। तो इन चाचा की भी पेटी बना दी जाती है, और यार यहाँ पे देखो गोली तब तक चली जब तक पेटी नहीं बनी, तो भैया गोली चली तब तक पेटी नहीं बनी जब तक। पर फिलहाल देखो यार यहाँ पे इनके पास भैया दो दो AWM रहती है और उस वजह से मेरे पास 60-70 गोली हो जाती है AWM की। और यार आज पता चला कि भैया AWM की गोली कितनी भारी है यार, मैं कुछ उठा ही नहीं पा रहा था उसके चक्कर में। तो यार फिर देखो ना चाहते हुए भी मेरे को फेंकना पड़ता है। मैं सोच रहा था पहले कि भैया मैं लास्ट में उड़ाऊंगा गोलियां, गर्राऊंगा मैं थोड़ा बहुत, लेकिन यार गर्रापन पूरा निकल जाता है क्योंकि भैया गोली की सेवा में कुछ उठा ही नहीं पा रहा था, तो फिर गोली उली फेंकनी पड़ती है। और यार आपने तो देखा ही होगा कि एक चाचा आए थे बाइक से, तो यार देखो अब उनके पास जाना है, तो भैया ताम झाम समेट के आगे की तरफ जाते हैं और देखो क्या होता है। अब जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे भैया राइट से वही बाइक वाला बंदा किसी की पेटी बना रहा होता है, मतलब किसी को मार रहा होता है। और यार फिर उसके बाद देखो बहुत बड़ा गलत सीन। अब यार यहाँ पे मैं तीन बंदे नॉक करता हूँ लेकिन किल दो ही मिलती है, क्योंकि एक चाचा होते हैं जो मेरी किल चुरा लेते हैं, ये रहे। अब देखो यार उनकी पेटी में बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया, पर उतने में भैया मेरे DT चाचा नॉक हो जाते हैं। और यार फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये एक विवादित स्थिति है, यहाँ अगर मैं थोड़ी देर और खड़ा रहा तो मेरी पीछे से पेटी बन सकती है। तो मैं बोलता हूँ भैया आगे की तरफ निकलो और देखो यहाँ पे एक सीन।
देखो यार यहाँ से भैया एक चाचा निकलते हैं जो धूम 4 की शूटिंग कर रहे थे। अब देखो शूटिंग बहुत खराब निकली क्योंकि चाचा भैया उलटपटांग गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल और लंघन करे जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को दिक्कत होगी भैया देखने में, तो मैं इनकी पेटी बनाना चाहता हूँ पहले तो। अब देखो यार मैं हमेशा कहता हूँ भैया पिक्चर वैसी बनाओ जिसपे यार कुछ लॉजिक हो। अब भैया तुम गाड़ी उड़ा रहे हो, गर्दन के बल गिर रहे हो, गर्दन चिटक जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और यार ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भैया वो पिक्चर देखते हैं तो यार उन पिक्चरों से गलत सीन करने लगते हैं देख देख के। तो भैया मैं नहीं चाहता यार कि उनकी भी गर्दन चिटके, तो यार मैंने फटाफट इनकी पेटी बना दी भैया और फुटपाता ही मेरे को चल दिया इनको तो। पर फिलहाल देखो यार अब हम आगे की तरफ निकलते हैं। और यार आगे निकलने के बाद यार मैं पत्ता छान मारता हूँ, काफ़ी बंदे ढूंढता हूँ लेकिन कोई भी चाचा दिख ही नहीं रहे होते कहीं पे भी। तो मैं डीटी से बोलता हूँ यार देखो आगे निकलो कहीं और ढूंढो यार, समय वेस्ट हो रहा है और समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो यार मैं आगे की तरफ निकलता हूँ और देखो क्या होता है। तो साला जब तक हम इतनी देर से यहाँ खड़े थे कोई नहीं आया, पर अब वही चाचा आ गए हैं जो कि भैया AWM से मेरी किल चुराए थे और DT को भी नॉक किए थे। तो यार अब उनकी पेटी बनाने की बारी आ गई है, तो देखो यार क्या ही पेटी बनाते हैं यहाँ से। तो एक चाचा होते हैं जो काफी लालची होते हैं, ड्रॉप में जा रहे हैं। तो यार इन चाचा की पेटी मैं बना देता हूँ और यही वो चाचा होते हैं जो कि मेरे DT चाचा की खोपड़ी फोड़े थे। तो यार इनकी पेटी बना दी है पर इसके बाकी टीम भी होती है, तो एक बंदा मुझे खिड़की में दिख जाता है। अब यहाँ पे वो दिखता तो है लेकिन यार बार बार लुकनी टीप खेल रहा होता है, जब भी मैं सकोप ऑन करता हूँ तो छुपने लगता है। पर एक गजर घास लपेटे हुए चाचा दिख ही जाते हैं आखिरकार। अब देखो तीन चाचाओं को मैं नॉक कर देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ भैया अब रस कर दिया जाए और पेटी बना दी जाए लास्ट वाले बंदे की। पर देखो क्या होता है। अब देखो यार यहाँ पे इन चाचाओं की पेटी तो मैं बना देता हूँ, पर यहाँ पे जो चाचा मेरे साथ लुकनी टीप खेल रहे थे वो एक टॉप RP वाले बंदे होते हैं। तो यार देखो यहाँ पे अपना डायलॉग मारना पड़ेगा कि जैसे हर बंदा हर बंदी का बिरो नहीं होता, वैसे ही हर टॉप RP वाला पेरो नहीं होता। तो देखो भैया इन सब की पेटी बना देता हूँ और यार अब यहाँ पे भैया सिर्फ एक लास्ट बंदा बचा है जो कि यार आगे की तरफ है। अब साला गाड़ी से कौन आ गया इतनी रात में। यार 1 बजे रात में यार कोई बंदा आ रहा है जो कि भैया बार बार हॉर्न बजा के जा रहा है। तो यार मैं अभी जस्ट बाहर गया, मैंने बोला भैया क्या सीन है, क्या दिक्कत है तुमको? तो चाचा बोलते हैं यहाँ पे एक गली में दुकान है, वहाँ पे राशरी मिल जाएगी क्या भैया? मतलब राशरी की लालच देखो यार, लत देखो। तो मैंने बोला भैया देखो जर्दा सुपारी मरो और खाओ यार, ये क्या सीन है भैया, रात में सोने दो बंदों को। फिलहाल देखो यार आगे जाते हैं और यहाँ पे जो लास्ट बंदा होता है वो दिख जाता है, तो यार उनकी पेटी बनाई जाए फटाफट। अब देखो यार यहाँ पे इन चाचा की पेटी बना देते हैं। और यार राशरी से याद आया, देखो भैया रात में नहीं घूमो, दिन में भी मत घूमो, कोरोना से बचो यार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो यार प्लीज़ बाहर मत निकलना बिल्कुल भी। और यार आपको एक बात और बताता हूँ कि भैया हाथ हाथ समय समय में धोते रहा करो यार, क्योंकि देखो भैया हाथ धोने से ही सबसे कम खतरा है यार। तो देखो भैया मैं तो 20 बार धोता हूँ, तो आप भी धो भैया। फिलहाल देखो यार इनकी पेटी बना देते हैं और इसी के साथ चिकन डिनर हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।